दर्शकों को प्राइमरी के न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। आपको बता दें कि जलोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं, दहेज के खातिर ससुराल वालों ने युवती को मारपीट किया और लहूलुहेज भी किया है, उसको घर से पीड़ित को बाहर निकाल दिया है। पीड़ित युवती ने अपने पिता के साथ मिलकर जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रायः अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराली जनों ने युवती के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर डाला। पीड़ित युवती ने अपने पिता के साथ मिलकर जिला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। मिली जानकारी के अनुसार अंजलि देवी पत्नी गौरव सिंह तोमर निवासी कस्बा माधोगढ़ द्वारा दहेज न मिलने पर युवती के साथ सास ससुर पति द्वारा आए दिन मारपीट कर अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती है, जिसको लेकर युवती अंजलि ने अपने पिता बुद्ध सिंह निवासी मिहोनी के साथ आकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि आरोपियों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। दोनों पीछे हाथ बांध के और मुंह में कपड़ा लगा के लाठी से मारा बुरी तरीके से। सास की जानकारी में था, वो खड़े होकर देख रहे थे, उसने बचाया भी नहीं और ससुर बाहर निकल गया कि चलो मारो पैसे चाहिए, और छुरी से हाथ काट दिया। गर्दन पे रखे था, हमने गर्दन बचाने की कोशिश की तो उसने हाथ काट दिया। अच्छा, तो आप लोग घटना की शिकायत करने गए नहीं? करने गए थे, कोई मतलब ऐसे नॉर्मली कर दिया, कुछ ज़्यादा खास नहीं सुनाई। अच्छा, पिताजी को लेके गए थी साथ में? पिताजी को साथ में लेके गए, वहाँ बाहर खड़ा कर दिया, कोई खास सुनवाई नहीं। पुलिस को तहरीर दी थी लिख के? हाँ, तो पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। डॉक्टरी कराई थी? डॉक्टरी कराई, उसने उल्टा लिख दिया, मतलब सीधे हाथ में था, उसने उल्टे हाथ कर दिया। दोनों में फ्रैक्चर था। फिर इसके बाद तुमने दरखास्त डीएम को दी? अच्छा, पिताजी के साथ में मिल गए? पिताजी के साथ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।